खाने बनाने के लिए हम एक कप बेसन लेते हैं एक बाउल में, उसके बाद एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, कुटी हुई है आप चाहें तो पेस्ट बना सकते हैं, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। उसके बाद इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, प्रेस करते हुए मिक्स करना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो पहले ही ख़त्म हो जाएं। फिर इसे हम अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से मिक्स कर रहे हैं, इसी तरह से करना है। उसके बाद इसमें हम एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। एक कप बेसन में हम डेढ़ कप लगभग छाछ डालेंगे, एक कप छाछ मैंने मिला दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिलाइए, अच्छे से मिल जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा घोल किस तरह का बन चुका है। हमारा घोल अच्छा पतला है लेकिन हमें इसे थोड़ा और पतला चाहिए, तो जो हमारा आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया हुआ है और छाछ उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं किस तरह से मिक्स हो रहा है, इस तरह से हमारा बैटर तैयार है। अब हम एक गैस पे कुकर में दो कप के लगभग पानी रखेंगे और बैटर को डाल के मध्यम आंच पे तीन सीटी के लिए लगा देंगे। हमारा तीन सीटी लग चुका है, उसके बाद हम इसको निकाल के गर्म में ही अच्छे से इसको फेंटना है, क्योंकि अगर ठंडा होने देंगे तो ये उसी में जम जाएगा, फिर हमारी खांडवी अच्छी नहीं बनेगी। इसे हमें अच्छे से तेजी से प्रेस करते हुए अच्छे से मिला लेना है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरह से करना है। एक थाली पे हमने पहले से ही तेल लगा के रखा हुआ है, बड़ा प्लेट चाहिए आपको क्योंकि इसमें खांडवी हमें पतली फैलानी होती है, मैंने 3-4 प्लेटें ली हुई हैं, उस तरह से ही आप अपने साइज़ के हिसाब से प्लेट लीजिए और खांडवी को इस तरह से पतला फैला लीजिए, पतली लेयर हमें चाहिए, थोड़ा मोटा पतला जिस हिसाब से आप चाहिए उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन खांडवी पतली अच्छी लगती है इसलिए मैं पतला ही फैला रही हूँ। इसको हमें जल्दी जल्दी फैलाना है क्योंकि ज़रा सा भी ठंडा होने पे ये सेट हो जाएगा, फिर हमारी खांडवी अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे फैला लिया है और इसको 5 मिनट बाद हम इस पर ग्रेटेड कोकोनट डाल रहे हैं, आप चाहें तो कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं, मैंने इस पर कोकोनट डाले हैं। उसके बाद इसको हम नाइफ से पतले पीसेस में काट लेते हैं। खांडवी अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप थोड़े और लंबे पीस काट सकते हैं। अब इसको हमें बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता से रोल बनाना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ज़रा सा भी करने पे टूट जाता है, इसलिए हमने एक रोल बना लिया, अब हम दूसरा रोल धीमे धीमे बनाएंगे उसी तरह से सेम। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा रोल भी बन चुका है, इसी तरह से हम तीसरा रोल भी बना लेते हैं। ये रोल देख सकते हैं आप थोड़ा सा फट गया, बट कोई बात नहीं क्योंकि ऐसा हो जाता है, बट आप उसको सेम उसमें लेके रोल बना लीजिए। हमारे रोल तैयार हो चुके हैं खांडवी के, अब हम इसमें तड़के के लिए एक तड़का पैन गरम करते हैं, उसमें एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे, उसमें राई डालेंगे एक चम्मच के लगभग, थोड़ा सा हींग डालेंगे, मिला लेते हैं। उसके बाद कटी हरी मिर्च डालेंगे, करी लीव्स भी डालते हैं, इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया है। हमारा तड़का आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है, तड़का भून जाने के बाद हम खांडवी रोल जो हमने बना के रखे हुए हैं उस पर हम इसको तड़का लगा देते हैं। तड़का लग जाने के बाद इस पर आप कोरिएंडर लीव्स से भी गार्निश कर सकते हैं, और मैंने इस पर ग्रेटेड कोकोनट डाला है जो मैंने पहले से रखा हुआ था। हमारी खांडवी बिल्कुल अच्छी बनके तैयार हो चुकी है, आप भी इस तरह से बनाइए, ट्राई करिए। थैंक यू।